जैसा कि आप सब लोगों ने ट्रैफिक की समस्या जरूर की होगी, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द दे देता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बाइक मार्केट में आ गई है जो कि हवे में उड़ती है। हाँ गाइस, एक बाइक ऐसी मार्केट में आ चुकी है जो कि हवे में उड़ती है, तो यहाँ पे हम उस बाइक के बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल, वी आर बैक फॉर अनदर वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक बाइक के बारे में जो कि एरोप्लेन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस बाइक के बारे में, तो ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जो कि हवे में उड़ती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जितनी भी बाइक है मार्केट में सब अपने रोड पे चलती है, ट्रैफिक की वजह से उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप जितनी भी बाइक आती हैं, महंगी से महंगी बाइक है 1-1 करोड़ तक की, जो कि रोड पर चलती है और काफ़ी ज़्यादा बेटर टॉप स्पीड है उनका। तो यहाँ पे हम बात करने वाले एक बाइक के बारे में जिसका नाम है लेजरलेट। और ये बाइक जो है भाई साहब, क्या डेंजरस बाइक है। ये एक ऐसी बाइक है जहाँ पे आपको एक बार अगर आप अपने बाइक को चार्ज कर दिए, तो ये अराउंड आपको 100 किलोमीटर का रास्ता तय इजीली कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बाइक की टॉप स्पीड के बारे में, तो यहाँ पे बाइक की टॉप स्पीड आपको अराउंड पड़ जाती है 130 के आसपास। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं, बाइक का टॉप स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बात करें हम इस बाइक के, तो ये बाइक एक इलेक्ट्रिक बाइक है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे देख बात करें हम इलेक्ट्रिक बाइक की, तो इलेक्ट्रिक बाइक इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। तो यहाँ पे बस ये बाइक को बनाया गया है ट्रैफिक के लिए, लेकिन ये बाइक का प्राइस आपको सुन के आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये बाइक की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। 3.5 करोड़ की ये बाइक पड़ती है आपको। और यहाँ पे ये बाइक अभी मार्केट में तो नहीं है, ये बस ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट के थ्रू बताया गया है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं उड़ के, बहुत ही अच्छी बात है। और ये बाइक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इस बाइक में लगा है जेट का इंजन जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे अगर हम बाइक की हॉर्स पावर की बात करें, तो यहाँ पे बाइक की हॉर्स पावर आपको पड़ जाएगी अराउंड 1300 हॉर्स पावर है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है बाइक भाई, बाइक इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें बाइक की हॉर्स पावर की, तो ये 1300 हॉर्स पावर है। प्लस यहाँ पे अगर हम टॉर्क की बात करें, तो बाइक यहाँ पे 2800 न्यूटन मीटर का इसको टॉर्क मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और बाइक की प्राइस तो भी है बहुत ज़्यादा है, और बाइक इतनी ज़्यादा हवे में उड़ेगी नहीं, बहुत ऊपर नहीं जाएगी, अराउंड 30 फीट के आसपास ये बाइक उड़ सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि सुपरमैन उड़ता है, तो यहाँ पे आपको भी एक ऐसी बाइक मिल जाएगी जो कि हवे में दौड़ेगी। और ये एक ऐसी बाइक है जो कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है ओवरबोर्ड में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम बाइक की बात करें, तो बाइक यहाँ पे पीछे का जो लुक है, वहाँ पे बाइक का लुक एक डॉस टॉमनी हॉक की तरह जैसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी बाइक्स हैं यहाँ पे, तो ये बाइक उनके लिए ज़्यादा बेटर होगी जिनको ट्रैफिक का समस्या ना करना पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने भी लोग हैं सब रोड से जा रहे हैं, लेकिन अपना ये बंदा देखो, ये भाई ये हवे में उड़ा के जाएगा। यहाँ पे देखो, इन्होंने चालू कर दिया बाइक को, और ये बाइक कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली एक होवर रोड में। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो टायर है वो ऑटोमेटिकली मूव होते हैं डाउन की तरफ, और ये मुड़ जाते हैं तिरछे तरफ। और यहाँ पे जब बाइक ऑन हो जाती है, तो ये हवे में उड़ती है और कोई भी बाइक को बीट कर सकती है। क्योंकि गाइस, आपको अगर आप बाइक चला रहे हैं रोड पे, तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि रोड पे टर्न है, तो आपको स्पीड कम करना पड़ेगा, बट आप एयर में हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप बाइक को बिंदास दौड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, बाइक काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको स्टैंड भी मिल जाता है, जिससे आप इजीली बाइक नीचे उतर जाते। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इस बाइक में आपको मिलता है हाइब्रिड इंजन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाइक को उड़ाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे आपको जेट इंजन भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये बाइक एक कंसेप्ट है, अभी मार्केट में नहीं आया है, लेकिन अगर मार्केट में आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनको मतलब जल्दी जाना है, बहुत अर्जेंट है, तो वो अपना बाइक निकाले और हवे में उड़ा के इजीली जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। और गाइज, बाइक की प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे 3.5 करोड़ में आपको एक बेस्ट कार मिल जाएगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे हेलीकॉप्टर ले लेंगे भाई, लेकिन ये एक बाइक है जो कि रोड पे भी चलेगी आपके, और हवे में भी उड़ेगी। तो सो गाइज, अगर हम बात करें इस बाइक के बारे में, तो यहाँ पे बाइक की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, बाइक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 3.5 करोड़ मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बहुत लोग बोलेंगे इसमें हेलीकॉप्टर ले लेंगे हम, तो गाइज हेलीकॉप्टर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये बाइक अभी कंसेप्ट है, फ्यूचर में हो सकता है ये 2050 तक ये बाइक मार्केट में आ जाए, और यहाँ पे आप इजीली आप अपने डेस्टिनेशन तक जा सकें। तो गाइज ये कन्वर्ट हो जाती है होवरबोर्ड में, और इजीली ये हवे में उड़ने लगती है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
और गाइज़ यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाक से जाकर सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो ऐसे बाइक्स के ऊपर लाता रहता हूँ, प्लस कार्स के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कीजिए।